हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चन बैंक चैप्टर नंबर 3, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो फर्स्ट विल सॉल्व एमसीक्यू व्हिच कैन बी आस्क फॉर 1 मार्क। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड मास ऑफ गैस। वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 3/2 nRT होता है। तो एनर्जी वी कैन राइट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, राइट। ओके, चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या दिया है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ अ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, अगर आपके पास डाई एटॉमिक गैस है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो एक्चुअल में डिपेंड होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। तो ये पॉली एटॉमिक गैस के लिए क्या आएगा, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया आपको यहाँ पर, कि द पावर रेडिएटेड बाय अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल, नेचर ऑफ सरफेस, कलर एंड टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, वी नो दैट पावर रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T^4, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज डबल देन द पावर रेडिएटेड विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ। अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, वी नो दैट पावर रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T^4। तो ये क्या आएगा, P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1 का पावर 4 आ जाएगा। अभी T2 कितना दिया है, देखो यहाँ पर टेम्परेचर क्या किया, डबल किया है, तो 2T इनिशियल टेम्परेचर कितना है, T है का पावर 4। तो ये आएगा P2/P1 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, टी टी चला गया तो 2 का पावर 4, मतलब 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो ये 16 आंसर है, ऑप्शन डी दैट इज 16, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम फॉर रेडिएशन ऑफ अ बॉडी हैविंग सरफेस टेम्परेचर 3000 केल्विन, एंड बी का वैल्यू आपको दिया है, तो मैक्सिमम लैम्डा निकालना है आपको यहाँ पर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई डी अकॉर्डिंग टू वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो बी कितना दिया आपको, 2.897 × 10⁻³ m³ डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है, 3000 केल्विन। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.897 / 3 × 10⁻⁶। अभी इसको सॉल्व करना, जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.96 × 10 10⁻⁶, मतलब 9656 अप्रोक्सली एंगस्ट्रॉम आता है। इसको सॉल्व एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो 9656 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब सी वी दिया है, कितना दिया है सी वी, 12307.69 J/kg K। इफ द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिफिक हीट्स इज, दैट इज CP/CV कितना दिया आपको, 1.65। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू मोलर स्पेसिफिक हीट। तो आपसे पूछा गया है कि बोलो CP - CV का वैल्यू कितना आएगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट CP इज इक्वल टू 1.65 CV। तो इसी को क्या लिखा जाएगा, 1.65 CV - CV, ये क्या आ जाएगा, ये होगा 0.65 CV। अभी सी वी तो तुम्हें दी है, कितना है, 0.65 × CV का वैल्यू 12307.69। अब ये लॉग बुक के साथ सॉल्व करना, तो आपको आंसर मिलेगा कुछ तो 7994, तो देखो 799 मिलेगा शायद, हाँ 7999 मिलेगा, तो इसका आंसर है 7999, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 200 cm² एट 120 °C। तो क्या दिया आपको, सरफेस एरिया कितना दिया है, 200 cm², इसको पहले कन्वर्ट करके लो ऐसा में, तो 200 × 10⁻⁴ m², मतलब कितना आएगा, 2 × 10⁻²⁺ m².
एट अ टेम्परेचर 120, टेम्परेचर कितना दिया है 127 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 127 + 273 ऐड करना पड़ेगा, मतलब ये कितना आ जाएगा 400 केल्विन। सिग्मा का तो वैल्यू दिया है, हमें क्या पूछा है एनर्जी रेडिएटेड, तो जो एनर्जी रेडिएटेड का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है, वो होता है सिग्मा ए टी टू द पावर 4, एक्चुअल में क्यू बाई टी है तो ये टी इधर आ गया, तो सिग्मा कितना है देखो हमारे पास 5.7 × 10⁻¹⁸, एरिया कितना है 2 × 10⁻², टेम्परेचर कितना दिया है 400 का पावर 4 × t, t कितना दिया आपको वेर इज t, टाइम 1 मिनट बोला है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, राइट। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी, तो ये 5.7 × 2 × 60 इंटू 4 का पावर 4 मतलब 16 × 16, तो ये जो 10 के टर्म एक साइड लेके जाता हूँ 10⁻⁸ - 2, और ये 100 है मतलब 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 का 4 कितना, ये 10 का पावर 8, ऐसा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा आंसर 1751, अप्रोक्सीमेटली 1751 जूल मिलेगा, तो 1751 जूल मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। अभी आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप VSA, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, अंडर विच कंडीशन लॉज ऑफ बॉयल चार्ल्स एंड गे लुसैक लॉ आर वैलिड, राइट। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो जो गैस होता है ना दैट गैस शुड बी रियल गैस, वैलिड ओनली फॉर रियल गैसेस का, इफ द प्रेशर इज नॉट टू हाई एंड द टेम्परेचर इज नॉट क्लोज टू द लिक्विफिकेशन टेम्परेचर ऑफ द गैस। कंडीशन याद रखो कि वैलिड ओनली फॉर द रियल गैसेस इफ द प्रेशर इज नॉट टू हाई एंड द टेम्परेचर इज नॉट टू क्लोज टू द लिक्विफिकेशन टेम्परेचर ऑफ द गैस। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया देखो, ऑन व्हाट द वैल्यूज ऑफ ऑब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट डिपेंड इन एडिशन टू द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच द रेडिएशन इज इंसिडेंट। अभी हमें पता है कि ये जो अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ये सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर, बट उसके अलावा और एक पैरामीटर है दैट इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है। तो ए आर टी का वैल्यू 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, एक है मटेरियल, दूसरा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई द टेम्परेचर ऑफ ऑल द बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट रूम टेम्परेचर। अभी देखो मान लो एक रूम दिया आपको ऐसा, अभी इस रूम का टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट टी है मान लेना, इसके अंदर हम लोगों ने एक बॉडी रखा है, बॉडी का टेम्परेचर मान लो कुछ टी नॉट है, राइट, टी बी मान लो बॉडी का टेम्परेचर। क्या बोला है, व्हाई टेम्परेचर ऑफ ऑल द बॉडीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट रूम टेम्परेचर, बिकॉज ये बॉडी जितना रेडिएट करेगी उतना ही ये बॉडी ऑब्जर्व करेगी। तो हम लोग लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी पर सेकंड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब बाय द बॉडी पर सेकंड, तो इसकी वजह से टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा बॉडी का, कांस्टेंट, जितना बॉडी रेडिएट कर रही है उतना ही बॉडी अब्जॉर्ब करेगी, इसकी वजह से उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबोव व्हाट टेम्परेचर ऑल बॉडीज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो हमें पता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा होगा, किससे 0 केल्विन, और 0 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस, अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो गया मतलब वो बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा, राइट। ओके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया देखो, इफ द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 1.25, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 1.25 kg/m³, एट अ प्रेशर कितना है 10⁵ पास्कल,
फाइंड द रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, ऐसे पूछा गया आप लोगों से। तो प्रेशर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी का रिलेशन क्या है? वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वेयर। तो प्रेशर कितना दिया है, देखो 1.25 इज इक्वल टू 1/3। डेंसिटी कितना है, नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलत हुआ यहाँ पर। चलो पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं हम लोग। वी आर एम एस स्क्वेयर कितना आएगा, 3P/ρ आएगा। मतलब वी आर एम एस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3P/ρ आ जाएगा। तो ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 3। प्रेशर कितना, 10^5। रो कितना, 1.25। अभी इसको सॉल्व करके ले लो तुम लोग अच्छे से, या सॉल्व भी कर सकते हैं, इजी है। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 30 करूँ क्या इसको मैं, चलो 30 × 10^4 लिखता हूँ। इसको क्या लिख सकते हैं, 125 × 10^ क्या लिख सकते हैं इसको, 125 × 10^-2। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 30/125, मतलब 5 × 6 = 30, 5 × 25 मतलब 6/25 आएगा। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10^6 मतलब 100 × 10^4 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 25 × 4 कितना, 100, मतलब अंडर रूट ऑफ 6 × 4 × 10^4। 6 × 4 कितना, 24 × 10^2। अभी अंडर रूट 24, अंडर रूट 25 मतलब क्या होता है, अप्रोक्स 5, सही है ना। तो ये अप्रोक्स आंसर, अभी ये सॉल्व करना है आपको लॉग बुक के साथ ही, बट याद रखो ये 500 के आसपास आएगा, 500 के आसपास। दो देख दिया है ना, ये 500 से थोड़ा कम, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 24 है। अंडर रूट 25 4.89 ऐसे कुछ तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 लीटर ऑफ गैस एट STP गिवन स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1.013 × 10^5। तो आपको दिया है वॉल्यूम कितना दिया है, 3 लीटर। बाद में क्या बोला गया है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, ओके। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना दिया है, 1.013 × 10^5, राइट। चलो सॉल्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या आता है, 3/2 PV। तो ये क्या आएगा, 3/2, पी कितना है, 1.013 × 10^5। वॉल्यूम कितना, 3 लीटर। अभी इसको लीटर को हमें क्या, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, SI में ना। तो 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड ते आएगा 3000 × 1 सेंटीमीटर मतलब 10^-2, उसका क्यूब मतलब -6 मीटर क्यूब। तो ये आएगा 3 × 10^-3 मीटर क्यूब, राइट। तो ये होगा 3 × 10^-3 मीटर क्यूब। चलो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा अप्रॉक्स 450। तो यही तो दिया है, अच्छे से लॉग बुक के साथ सॉल्व करना, आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। प्रेशर पूछा गया है एट टेम्परेचर कौन सा, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 + 273 इज इक्वल टू कितना, 273 केल्विन। इफ द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट NTP, डेंसिटी कितना दिया है, 1.25 kg/m³, एंड RMS स्पीड कितना दिया है, 489 मीटर पर सेकेंड। तो इजी तो है, प्रेशर पूछा गया, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 ρV RMS का स्क्वेयर। तो यह है 1/3, रो कितना है 1.25, एंड VRMS कितना है देखो 489 का स्क्वेयर। अभी ये सॉल्व करो बाय यूजिंग लॉग बुक, आपको आंसर मिलेगा कुछ तो 99633 के आसपास, राइट। वही है क्या आंसर, देखो 99633 ही आंसर है, राइट। स्टेट फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स, राइट। तो थेरोटिकल क्वेश्चन है, तो हीट रेडिएटेड, देखो हीट रेडिएटेड का फॉर्मूला क्या था, Q/T इज इक्वल टू ई ए सिग्मा T^4।
मतलब अब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है बॉडी, नेचर ऑफ बॉडी मतलब ई का वैल्यू आता है, एंड टाइम ड्यूरेशन, राइट, टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द बॉडी एमिट्स रेडिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द मोनोएटॉमिक गैस द रेशियो फॉर द टू स्पेसिफिक हीट इज 5/3. ओके चलो सॉल्व करते हैं मोनोएटॉमिक के लिए. ये मोनोएटॉमिक गैस है आपके पास, इसका मीनिंग क्या है देखो. मोनोएटॉमिक गैस मतलब सिंगल है, एक सिंगल आइटम है. अभी सिंगल आइटम एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है, मतलब इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा. सही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ गया. तो हमारे पास जो सी वी है, सी वी का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला इज एफ बाई टू आर. तो अगर मैं 3/3 एफ का वैल्यू पुट करता हूँ तो ये 3/2 आर आएगा. सी पी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ प्लस 2/2 × r. ये कितना आ जाएगा, एफ कितना है हमारे पास, 3, 3 प्लस 2/2 × r, ये आ जाएगा 5/2 × r. ये जो गामा आएगा, गामा मतलब रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज 5/2 r/3/2 r. आर आर कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 5/3. तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 5/3, राइट. नाउ शो दैट फॉर डायटोमिक गैस द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट इज 7:5. तो अगर हमारे पास डायटोमिक गैस है तो जैसे मोनोएटॉमिक था वैसे सॉल्व करेंगे. डायटोमिक मतलब दो मॉलिक्यूल, डंबेल की तरह स्ट्रक्चर. अभी ये दोनों एक्स में जा सकते हैं, वाई में जा सकते हैं, जेड में जा सकते हैं, मतलब इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्ट्रेट लाइन वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3. अब ये रोटेट भी हो सकता है अबाउट वाई एक्सिस एंड अबाउट जेड एक्सिस, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका, 2. मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 + 2 = 5, राइट. तो एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला तो हम लोग सी वी निकाल सकते हैं. सी वी क्या है, एफ बाई टू आर, एफ कितना है, 5/2 r. सी पी कितना है, सी पी है एफ प्लस 2/2 × r, दैट इज 7/2 r. एंड रेशियो ऑफ सी पी बाई सी वी, उसी को गामा कहा जाता है, कितना आएगा, 7/2 r/5/2 r, मतलब ये आएगा 7/5. हो गया आंसर. चलो नेक्स्ट, शो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएंट पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट रेंज ऑफ वेवलेंथ एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. तो ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम है, इससे ही हमें वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ मिला था. देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, वेवलेंथ है, वाई एक्सिस पे रेडिएंट पावर है, एंड अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया है, राइट. तो कौन सा कैसा, देखो जब 3000 किसी कोई भी अगर एक कर्व उठा लोगे आप लोग, तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है तो वैसे वैसे पावर बढ़ रहा है, मैक्सिमम पे चला गया बाद में पावर घटेगा. वेवलेंथ बढ़ रहा है तो क्या होगा, पावर बढ़ेगा, मैक्सिमम पे जाने के बाद पावर बाद में घट रहा है. तो ये है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएंट पावर ऑफ अ ब्लॉक ब्लैक बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, राइट. क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी. तो जो बुक के अंदर दिया वैसे ही ड्रॉ करो. क्या करना है आपको, एक स्फीयर ड्रॉ करना है यहाँ पर, राइट. यहाँ पर एक कट प्रोवाइड करो तुम लोग स्पीयर को, सो दैट लाइट अंदर चली जाए. दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रेडिएशन. तो ये जो कट किया तुम लोगों ने पार्ट, इसी को कहा जाता है अपर्चर, राइट. बाद में ये जो यहाँ पर स्फीयर है, ये कैसा है, डबल वॉल्ड है, सो दैट यहाँ से हीट बाहर ना निकले. बाद में यहाँ पर हम लोगों ने कोनिकल प्रोजेक्शन लगा दिया, सो दैट लाइट इसके ऊपर गिरने के बाद इधर रिफ्लेक्ट होके अंदर ही रहे स्पीयर के अंदर. ये जो दो वॉल के बीच का स्पेस है, वो स्पेस कैसा, इवैक्यूएटेड स्पेस है. एंड इसको हम लोगों ने क्या किया है, कोटिंग किया है, किसका, लैम्प ब्लैक का. लैम्प ब्लैक का कोटिंग क्यों किया जाता है, बिकॉज इट ऑब्जर्व नियरली 98% हीट इंसिडेंट ऑन इट. ओके नेक्स्ट, कंपेयर द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ मेटल बॉडी एट 727 डिग्री सेल्सियस एंड 227 डिग्री सेल्सियस. चलो सॉल्व करते हैं. पहले देखो ये जो टेम्परेचर दिया है ना, उसको प्रॉपरली एसआई यूनिट के अंदर लेके चलो. तो 727 डिग्री सेल्सियस मतलब 727 + 273 केल्विन.
मतलब ये क्या आएगा 1000 केल्विन, तो T1 1000 केल्विन है। T2 कितना दिया आपको, 227 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये कितना आएगा 227 + 273 केल्विन, मतलब ये कितना 500 केल्विन आ जाएगा। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ रेट ऑफ रेडिएशन दैट इज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T^4 होता है। तो P1 / P2 अगर आप लोग करोगे दैट इज T1 / T2 का पावर 4। T1 कितना है 1000, T2 कितना है 500, का पावर कितना है 4, 1000 / 500 2 2 का पावर 4, मतलब कितना आएगा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 16, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया देखो, 100 कैलोरीज ऑफ रेडिएंट हीट इज इंसिडेंट ऑन द बॉडी, मतलब अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी इज कितना है 1000 कैलोरी। इफ द बॉडी अब्जॉर्ब 400 कैलोरी, तो अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब कितना दिया है 400 कैलोरी। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ द बॉडी। अभी देखो हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब पर यूनिट अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट। तो अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब कितना है 400, अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट कितना है 1000, तो ये कितना आएगा 0.4, कितना आ गया यहाँ पर 0.4। एंड कोई भी बॉडी जितना अब्जॉर्ब करती है उतना ही एमिट करती है, मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, ई के बराबर होगा, दैट इज 0.4 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ए एंड ई क्या होता है सेम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखो, अ मेटल क्यूब ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, मेटल क्यूब का लेंथ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 4 × 10^-2 m। रेडिएट हीट एट द रेट ऑफ 10 जूल पर सेकेंड, तो ये 10 जूल पर सेकेंड है, मतलब ये क्यू अपॉन टाइम दिया है। फाइंड इट्स एमिसिव पावर, तो जो एमिसिव पावर होता है उसका फॉर्मूला क्या है, वो होता है अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो आपके पास देखो क्यू बाई टी है, कितना है 10। एरिया क्या होता है देखो, एरिया हम लोग लेंथ से निकाल सकते हैं, तो क्यूब का एरिया क्या होता है, एक साइड का एरिया एल स्क्वेयर, 6 साइड का एरिया 6L², तो ये आएगा 6L², 6 × L कितना दिया है 4 × 10^-2, तो 4 × 10^-2 का स्क्वेयर, तो ये आएगा देखो 2 × 1 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो 5/3 × 16 × 10^-4। चलो इसको सॉल्व कर लो तुम लोग, जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 1041 अप्रॉक्स, ऐसे वाला आंसर मिलेगा, राइट। चलो अभी ये शॉर्ट आंसर 2 3 मार्क के क्वेश्चन है, राइट। ओके तो क्या दिया है देखो यहाँ पर, पहला क्वेश्चन, शो दैट द रूट मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या, शो दैट द रूट मीन स्क्वेयर स्पीड VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। ओके तो ये शो करने के लिए देखो प्रूव कैसे करता हूँ। वी नो दैट प्रेशर ड्यू टू गैस कितना आता है 1/3 ρCRMS² मतलब VRMS². अभी ये प्रेशर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो, ये जो रो है उसको क्या लिखा जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू VRMS² ये वॉल्यूम अगर लेफ्ट में आता है तो PV इज इक्वल टू 1/3 मास × VRMS². अभी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT इज इक्वल टू 1/3 mVRMS² तो अगर हम लोग VRMS देखें यहाँ पर, VRMS² इज इक्वल टू क्या आएगा 3 nRT / m × T आएगा। अभी ब्रैकेट देखो सारा का सारा कांस्टेंट है, मतलब VRMS² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका ही मीनिंग क्या है, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो आपके क्वेश्चन का आपका प्रूफ यहाँ पे आ गया देखो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ गैस। ओके तो उसके लिए भी अगेन मैं क्या करता हूँ, हमारे प्रेशर का इक्वेशन का यूज करता हूँ। प्रेशर क्या होता है,
1/3 वी आर एम ए, रो वी आर एम ए स्क्वेयर, राइट। मुझे क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ये जो आपका रो है उसको मास के फॉर्म में लिखेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम वी आर एम एस का स्क्वेयर। तो पी वी थ्री को भी इधर लेके आओ, तो राइट साइड में क्या बचेगा, वी आर एम एस स्क्वेयर। अगर आप लोग इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये राइट साइड क्या बचा, 1/2 एम इंटू वी आर एम एस स्क्वेयर, मतलब 3/2 पी वी इज इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पी वी, एंड पी वी अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, एनआरटी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वही तो दिया था, शो दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। इतना भी सॉल्व करोगे, थोड़ा सा बीच बीच में सेंटेंस ऐड कर देना, मार्क फुल मार्क मिल जाएगा तुम लोगों को। ओके, उसके बाद क्या दिया है, देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ पॉली एटोमिक गैस मॉलिक्यूल। तो पॉली एटोमिक के लिए, अभी ये हम लोगों ने इसके पहले किया था मोनो एटोमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, बट पॉली एटोमिक के लिए करना है। तुम लोग ये डिटेल में टेक्स्ट बुक से पढ़ लेना, फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, बट अगेन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो। पॉली एटोमिक गैस मॉलिक्यूल के अंदर जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना है, वो होता है 3। और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो भी कितना होता है, 3 होता है। एंड बाद में रोटेशनल आने के बाद इसके अलावा यहाँ पर आता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना माना जाता है, एफ माना जाता है। कितना माना जाता है, एफ, राइट। अच्छा चलो मैं इसको एम मान लेता हूँ, छोटा एम मान लेंगे हम लोग, बट इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा जाए तो कितना आएगा, 6+2m आ जाएगा, राइट। मतलब ये अगर 2 कॉमन लिया तो 3+m आ जाएगा। तो अभी पहले हम लोग सॉल्व करते हैं सी वी के लिए। सी वी क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम f/2r। तो ये कितना आएगा, 2 × 3+m/2 × r, मतलब क्या होगा, 3+m × r। सी पी का फॉर्मूला क्या होता है, f+2/2 × r। एफ कितना है, 2 × 3+m+2/2 × r, 2 2 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा, 4+m × r। तो ये रेशियो जो है सी पी बाई सी वी का रेशियो, ये रेशियो क्या आएगा, 4+m/3+m। अभी ये m क्या इंडिकेट कर रहा है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अभी ये थेरोटिकल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी। तो तुम लोग यहाँ से भी देख सकते हो फेरिस ब्लैक बॉडी कैसा है, एक स्फेरिकल मेटल होता है, राइट। डबल वॉल्ड स्फीयर होता है ये वाला, राइट। इसको हम लोगों ने क्या किया, अंदर से कोटिंग किया। कोटिंग किसका किया है, सिल्वर कोटेड लैम्प ब्लैंक। किसका कोटिंग किया है, लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक ही क्यों, बिकॉज लैम्प ब्लैक अब्सॉर्ब 98% हीट इंसिडेंट ऑन इट। बाद में ये जो आउटर कोटिंग है ये सिल्वर पॉलिश सरफेस है, सो दैट यहाँ से हीट बाहर ना जाए। ये जो इवैक्यूएटेड स्पेस है ये क्यों दिया है, वही हीट लॉस जीरो हो इसलिए। बाद में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये जो आपका डबल वॉल्ड स्फीयर है यहाँ से उसको एक होल बना दिया, उसी को क्या कहा जाता है, अपर्चर। एंड जो भी लाइट आ रहा है इसी अपर्चर से अंदर आएगा, एंड ये लाइट वापस पीछे ना जाए इसलिए यहाँ पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन दिया है। तो ये लाइट इसके ऊपर गिरेगा, इधर रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाने वाला है, सही है। तो आप लोग थ्योरी पढ़ सकते हो यहाँ से डिटेल में, या चाहिए तो टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ लो और अच्छे से इसका नोट्स बना लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, कंपेयर द रेट्स ऑफ एमिशन ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी मेंटेन एट 627 एंड 127 इफ द ब्लैक बॉडी सराउंडेड बाय इनक्लोजर एट 27 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ओके, बोला गया ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना, पहले 627 डिग्री सेल्सियस है, राइट। बाद में कितने टेम्परेचर पे मेंटेन किया, 127 पे।
जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 627 + 273 मतलब 900 केल्विन आएगा। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 273 मतलब 400 केल्विन आएगा। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 27 + 273 मतलब ये कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। तो अभी व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट? स्टीफंस लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T^4 − T₀⁴ होता है, राइट? ओके, चलो सॉल्व करते हैं फिर। R1 / R2 इज इक्वल टू क्या आएगा? T₁ का पावर 4 − T₀⁴ / T₂ का पावर 4 − T₀⁴। ये T₁ कितना है? 900 का पावर 4 − 300 का पावर 4 / 400 का पावर 4 − 300 का पावर 4। अभी ये जीरो कैंसिल हो गए तो बचेगा क्या? 9 का पावर 4 − 3 का पावर 4 / 4 का पावर 4 − 3 का पावर 4। अभी देखो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं a²- b² का फॉर्मूला। तो ये क्या आएगा? 9² a²- b² का फॉर्मूला क्या होता है? a+b × a - b। तो 9² + 3² × 9² − 3² / क्या आएगा? 4² + 3² a²- 3². चलो सॉल्व करते हैं। 9² = 81 + 9 * 81 - 9 / 16 + 9 * 16 - 9। तो ये कितना आएगा? 90 * 81 - 9 कितना आएगा? 72 / 16 + 9 कितना आएगा? 25 * 16 - 9 कितना आएगा? 7, राइट? तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 90 * 72, चलो सॉल्व करना पड़ेगा, एक मिनट। 90 * 72 ये आ जाता है 6480 एंड 25 * 7 देखा जाए कितना आता है? 175। 6480 / 175 मतलब ये आ जाता है 37.02। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर, राइट? अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? डिटरमाइन द मॉलिकुलर काइनेटिक एनर्जी पर मोल, पर ग्राम, पर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एट 227 डिग्री सेल्सियस। तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है, देखो टेम्परेचर कितना है? 227 डिग्री सेल्सियस मतलब ये कितना आएगा? 227 + 273 केल्विन कितना आएगा? 500 केल्विन। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 RT। तो 3/2 आर कितना दिया आपको? 8.310। टेम्परेचर कितना दिया है? 500। अभी लॉग बुक का यूज करके इसको सॉल्व करना, आपको आंसर मिलेगा इसका कुछ तो 6232.5। बाद में सेकंड पे आते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम। काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम का फॉर्मूला होता है 3/2 RT / यहाँ पर क्या आएगा? उसका मॉलिकुलर वेट आ जाएगा। तो 3/2 ये कितना मिला? 3/2 RT हमें मिला था 6232.5 / m₀ कितना है? 28। इसको सॉल्व करो तो ये अप्रोक्सीमेटली 222 मिल जाएगा आपको। एंड थर्ड वन है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है 3/2 KBT, राइट? तो इवन तुम लोग सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। हमें पता है कि पर, चलो इसके इसलिए 3/2 RT ये क्या है? पर मोल है। इसको अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करूँ तो ये मिलेगा पर मॉलिक्यूल। तो 3/2 RT हमारे पास है, दैट इज 6232.5 / कितने हैं? एवोगाड्रो नंबर कितना? 6.03 × 10⁻²।
तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1033 इंटू 10^-23, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है देखो, फाइंड दी मीन स्क्वेयर वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। तो आपको v1 v2 v3 दिया है, तो मीन स्क्वेयर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर प्लस v3 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3। तो v1 कितना है, 2 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 4 प्लस 16 प्लस 36 बाय 3, मतलब ये आएगा 56 बाय 3, मतलब ये आ जाएगा 18.66 किलोमीटर पर सेकंड। अगर रूट मीन स्क्वेयर की बात करोगे तो रूट मीन स्क्वेयर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वेयर होता है, मतलब अंडर रूट ऑफ 18.66। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 18 पॉइंट, मतलब ये 4 के आगे थोड़ा सा कुछ तो आएगा, 18.66 ये आ जाता है, 4.32, 4.32 किलोमीटर पर सेकंड, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो, एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है पूरा का पूरा अच्छे से, एंड उसके बाद ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर क्या क्या एक्सप्लेन करना है कि ऑब्जर्वेशन ऐसा था, किसी भी बॉडी को एक टेम्परेचर पे फिक्स करोगे, मेंटेन करोगे, तो उस केस में जो बॉडी वेव रेडिएट कर रही है उसका वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है तो रेडिएटिंग पावर भी बढ़ेगा, एक मैक्सिमम लेवल तक आएगा एंड बाद में रेडिएटिंग पावर घटता जाएगा। ऐसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, बढ़ाते जाओगे तो सेम हमें ऑब्जर्वेशन हो रहा है यहाँ पर, और सेम ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पर, बट यह कि यहाँ पर चेंज दिखाई दिया है। वो चेंज क्या था कि जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा था, पीक वैल्यू ऑफ रेडिएटिंग पावर, वो किधर शिफ्ट हो रहा था, टुवर्ड्स दी वाई एक्सिस, राइट। तो ये थ्योरी पढ़ लेना यहाँ से अच्छे से, चाहिए तो बुक में से पढ़ लो, अच्छे से नोट्स बनाओ। चलो नेक्स्ट है, डेराव एक्सप्रेशन फॉर एवरेज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। अभी एवरेज प्रेशर क्या होता है, 1/3 रो सी आर एम स्क्वेयर। अगेन तुम लोग यहाँ से भी देख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, पॉइंट नंबर 3.5 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, प्रेशर ऑफ अ आइडियल गैस, वो पॉइंट और ये वाला, यहाँ तक वो देखो आपको क्या करना है, डेराइव करना है, फाइनली आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा, दैट इज प्रेशर। वो क्या है, 1/3 एन बाई वी एम वी स्क्वेयर, मतलब ही वो 1/3 रो सी आर एम एस वी आर एम स्क्वेयर है, बड़ा डेरिवेशन है थोड़ा सा, अच्छे से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है डेराइव मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन मतलब क्या होता है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, इसका रिलेशन। तो ये आपको क्या करना है, डिराइव करना है, तो ये वाला डेरिवेशन देख लो अच्छे से, और ये आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक डिराइव करना है, राइट। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन, राइट। चलो तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, अच्छे से सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल बाय यूजिंग लॉग बुक। कंपल्सरी क्या चाहिए, लॉग बुक चाहिए, लॉग बुक का अच्छे से यूज करो, लॉग बुक का अच्छे से प्रैक्टिस करो। डायरेक्टली तुम लोग आंसर लिखोगे तो आपको एग्जाम में मार्क नहीं मिलेगा, तो ये कंपल्सरी होता है लॉग बुक यूज करना एग्जाम के अंदर। चलो फिर बस करते हैं आज के लिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।